तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चपाती पर। मेरा नाम है पम्मी। मैं इस चैनल का नाम चपाती क्यों नहीं रख रहा यार, मुसम्मी तो मैंने आज तक कभी इंट्रो के अंदर बोला भी नहीं होगा। बट एनीवेज गाइस, मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया माइनक्राफ्ट के शॉर्ट्स और मैं गया यहाँ पर फिल्टर में सबसे ज्यादा व्यूड वाले वीडियो पर, और ये देख रहे हो 239 मिलियन व्यूज है इस शॉर्ट के ऊपर। भाई इतने बंदे दुनिया में है भी सही कि नहीं? एक्चुअली है, बहुत गंदा जोक मार रहा हूँ मैं आजकल। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 239 मिलियन व्यूज कितने होते हैं। तो अगस्त का महीना पकड़ लो, ठीक है, लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ में हमारे मेन चपाती चैनल पर जितने व्यू आए हैं, मुसम्मी चैनल पर जितने व्यू आए हैं, अपने चूरन चैनल, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा ठीक है, अपने चूरन चैनल पर जितने व्यू आए हैं, लॉगी के चैनल पर जितने व्यू आए हैं, उन सबको कंबाइन कर दें और इन सारे व्यूज को डबल कर दें और उस डबल के अंदर 50 मिलियन और जोड़ लें, तब भी 239 मिलियन नहीं बनेंगे भाई। और उसके बाद गाइस मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ना माइनक्राफ्ट की एनिमेशन बना के रखी है और क्या खतरनाक स्टोरी है। तो मैंने एक एनिमेशन वाली स्टोरी देखी, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरी वाली देखें। मैंने अभी तक नहीं देखी और दूसरी वाली देखेंगे आप लोगों के साथ। तो आज हम रिएक्शन देंगे इस वाली स्टोरी के ऊपर। और आज के हमारे कॉन्टेंट सप्लायर है ब्लैक प्लाज्मा स्टूडियो, 9.5 मिलियन सब्स। Obviously, इसको हमारे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस आपने यहाँ पर जाके ओपी बिच्छू गांग लिखना है। ओके, तो ये वाली स्टोरी है बीच फाइट की। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर नीचे आपको ऐसा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है लाइक लाल रंग में, तो उसको उसके ऊपर ऐसे क्लिक करके आपने उसको जो है ग्रे कर देना है। ऐसे करोगे तो आपका 50 साल का लक एकदम से ओपी हो जाएगा। ओके गाइस, एकदम से आराम से बैठ जाते हैं। तो दिस स्टोरी इज क्रिएटेड बाय ब्लैक प्लाज्मा स्टूडियो। और ये देखो विलेज, आपने नोटिस किया बी, तो ये कहानी है बीस की और यहाँ पर लिखा हुआ है विलेज। अरे एकदम राइम कर रहा है भाई, एकदम ओपी टैक्टिक। तो यहाँ से बी आई, बी ने फ्लावर में से नटर निकाला और भाग गई। इतनी क्यूट लग रही है यार अपनी बी। ओ भाई, छोटा सा विलेज बना हुआ है बिल्कुल पहाड़ों के अंदर। ये बंदा यहाँ पे फार्मिंग कर रहा है, गॉलम सबकी हेल्प कर रहा है। अरे यार माइनक्राफ्ट की दुनिया कितनी कूल लग रही है यार, इतनी पीसफुल और एकदम ओपी भाई साहब। ओके, तो रात हो चुकी है अभी, सस्पेंस, म्यूजिक भी चेंज हो चुका है। हैंग ऑन अ सेकंड, ये लोग काम कर रहे हैं या कुछ चोरी कर रहे हैं? वैसे अगर इनकी शक्लें देख के लगता तो नहीं है कि ये काम कर रहे होंगे, और ऑब्वियसली दबे पांव जा रहे हैं, तो आई थिंक कुछ ना कुछ यहाँ से चोरी हो रहा है। ये अपना सामान अंदर कर रहा है, गोलम भी यहाँ से बात कर रहा है। आई डोंट थिंक कि वो चोर होंगे। अरे नहीं, वो चोर थे, इन लोगों ने इसको देख लिया। अरे नहीं, वो चोर नहीं थे। ओ, रात के अंधेरे में विचेस एंड ज़ॉम्बीज़ का हमला। यो मतलब कि जब रात को मॉब्स आती हैं लाइक क्रीपर, ज़ॉम्बीज़, स्केलेटन भी यहाँ से आ रहा है, तो सारी विचेस छोड़ती है माइनक्राफ्ट के अंदर। हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, राइट? तो अचानक से हमला हो चुका, लेकिन हमारे माइनक्राफ्ट के योद्धा रेडी हैं फाइटिंग करने के लिए। वाओ भाई, आराम से क्रीपर कहीं फट ना जाए। भाई कितने ओपी है यार गॉल। यो गोलम की एंट्री एकदम जबरदस्त यार। अभी मेरी नजरों में माइनक्राफ्ट के अंदर गोलम की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ चुकी है। लेट्स गो, क्या बात है। ओह नो, विच कितनी खराब है यार। पूरी आर्मी आ चुकी है, गोलम भी भाग गया। वो तो हाथ उठा के भागा यार वो। अरे नहीं, अरे मत करो यार। वेट, ज़ॉम्बीज़ को हनी चाहिए? स्केलेटन्स भी हनी लेके जा रहे हैं? अब ऑब्वियसली हनी लेके जाओगे तो बीज तो गुस्सा हो जाएंगे माइनक्राफ्ट के अंदर। वेट, मैं समझ गया, वेट मैं समझ गया। ओ भाई, क्या प्लानिंग करी है विच ने? तो विच को पता था कि अगर इस गांव के अंदर से पूरा हनी चला जाएगा तो सारी बीज चले जाएंगे। अब ऑब्वियसली बीज नहीं होंगी तो पेड़ पौधे रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, तो तब भी ये ज़ॉम्बीज़ वगैरह आए। इस बारी ज़ॉम्बीज़ लोगों ने फाइटिंग नहीं की, इस बारी वो आए सिर्फ सामान लेके भागे। और क्या स्पेसिफिकली क्या लेके भागे? हनी। भाई साहब खतरनाक है यार, ये तो एकदम ओपी। और ये देखो सारे दरवाजे वगैरह टूट चुके हैं मैन। अरे तेरा पूरा हनी लेके भाग गया यार, दिस इज सैड यार। बीज भी एकदम से नाराज हो चुकी हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी और फ्लावर्स तो है ना, फिर से हनी ले लेंगे, नाराज होने वाली बात नहीं है। इतनी पीसफुल जगह तुम लोगों ने बना के रखी, इट्स ओके। माइनक्राफ्ट के अंदर डॉगी, अरे स्टीवन एलेक्स, लेट्स गो। माइनक्राफ्ट के मेन कैरेक्टर्स, आई थिंक ये गांव इनका था।
भाई मतलब कि ये कुछ हंटिंग वगैरह करने गए होंगे और रात भर गायब होंगे माइनिंग वगैरह में, और जब सुबह वापस आए तो पूरी डिस्ट्रक्शन गांव के अंदर। ओह नो भाई, ये बंदा कितना सैड लग रहा था, और सारे सैड हो चुके हैं। प्लानिंग विच ने एकदम से ओपी करके रखी थी यार यहाँ पर, लेकिन फिर भी गाइस इनको लगता है कि उम्मीद की किरण अभी बाकी है, तो इन लोगों ने सारी बीस को एकदम से लाइन में खड़ा कर दिया। और वेट व्हाट, बीस एंड टीएनटी भामा फट जाएगा वहां पर। ओह माय गॉड, ये एक्चुअली प्लानिंग कर रहे हैं, मामा फट जाएगा। ये आइडिया हमने क्यों नहीं सोचा, नहीं मतलब कि हॉपर के अंदर तीर कमान लोड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्पेंसर के ऊपर क्लिक करके मैन्युअली उसके अंदर डालने से अच्छा हॉपर के अंदर फेंक दो। भाई ये हमने क्यों नहीं सोचा। तो एक्चुअली मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है। ओह लावा बकेट, भाई साहब प्लानिंग चल रही है यहां पर। तो आई थिंक गाइस प्लानिंग इनकी सिंपल है। दीवार खड़ी कर दी, अरे क्या मस्त प्लान है इनका। तो मतलब कि इस बारी उन लोगों ने अगर हमला किया तो ये लोग भी एकदम से रेडी हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो लोग आते हैं तो बीज उनके ऊपर टीएनटी फेंक सकती हैं, विलेजर उनके ऊपर एरोस मार सकते हैं, और अगर कुछ भी काम नहीं किया तो ऑब्वियसली वो बटन दबाएंगे और ऊपर से दीवार खड़ी हो जाएगी और पूरे गांव को सुरक्षित कर देगी। तो प्लानिंग एकदम जबरदस्त है। ऑलराइट, और फाइनली इन लोगों ने सारा हनी छुपा कर रखा है क्या इन लोगों ने यहाँ पर। हाँ हनी को छुपा कर रख दिया, ऑब्वियसली इनको पता लग चुका है कि जो विच आती है पूरा हनी लेके चली जाती है। अब की बारी हनी छुपा दो, और अब की बारी गाइस हमारी माइनक्राफ्ट की हैप्पी मॉब भी एकदम से रेडी हो चुकी है। अभी तो गई विच राउंड टू। ओ अकेला स्टीव, भाई मर जाएगा तू। प्लान एक्सिक्यूटेड, रेडस्टोन, अरे लेट्स गो, एकदम से बड़ी वाली दीवार। विच की बैंड बच चुकी है। आप बोल विच कहीं की, ओए लेट्स गो भाई। अभी जो है गाइस पासा पलट चुका है, हमला, एवेंजर्स असेंबल। भाई ये क्या मार रहा है यार ये। तो इनका प्लान एकदम से कामयाब हो चुका है। ट्राइडेंट भी इसके पास आ चुका है, एलेक्स के पास। लेट्स गो, यप लेट्स रोल इट। ओ भाई नाइस, अभी देखो बीस की बारी आ चुकी है। कम ऑन गांव वाले तो कर सकता है, अभी टाइम आ चुका है बदला लेने का। अरे भाई साहब यार ये सीन देख के मेरे को किसकी याद आ रही है, KGF की फायर, वो ट्रक वाला सीन याद आ रहा है मेरे को यार यहाँ पर। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब ऑब्वियसली अपनी विच भी आराम से बैठने वालों में से नहीं है। ओ इसका भी गुस्सा आ चुका है। पोशन पी, मार उसको। ओ नो गलत पोशन भाई, भाई कितनी ईवल है ये विच। अरे नहीं, नॉट द चार्ज क्रीपर्स, ओ नो, ओ माय गॉड। हाँ हाँ हाँ, अभी पासा फिर से पलट चुका है गाइस, प्लान फेल। अभी भाग, मर जाएगा, भाग। आयरन थ्री की तरह ट्राइडन काम आएगा। एलेक्स भाग ले, स्टीव निकल भाई यहां से। नहीं मत कर, ओ भाई क्या डॉच किया विच ने। ऑब्वियसली गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर जो है विचेस बहुत खतरनाक हो सकती हैं। पक्का उसने स्पीड वाला पोशन पिया होगा विच ने, क्या स्पीड बढ़ गई उसकी। ओह माय गॉड, हा हा
विच की टोपी उतर गई ना तो विच वीक हो जाती है, ऐसा मैंने सुना था। ओह माय गॉड, उसका बड़े वाला ज़ॉम्बी आ चुका है हमला करने के लिए। नहीं, गांव के अंदर बच्चा, पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरे को एक्चुअली सैड फील हो रहा है यार, वो फिर से हनी तोड़ रहे हैं। इस बारी वो लेके नहीं जा रहे, इस बारी उन लोगों को पूरा गुस्सा आ चुका है और इस बारी उन लोग बच गया भाई तू। तो इस बारी उन लोगों ने ठान लिया कि इस बारी फुल डिस्ट्रक्शन करेंगे और इनका हनी निकल चुका है बाहर। नहीं, टाइम, उनका पूरा हनी ले गई यार। भाई साहब, अरे मत पढ़ भाई, मर जाएगा। मेरे को लगा था कि ये मरेगा, बच गया, लेकिन एंड मौके पर इसने डॉच कर लिया इसको। पूरा स्टैश चेक कर ले गए यार। मेरे को लगा था कि इन लोगों ने प्लानिंग मस्त वाली करके रखी है, लावा वगैरह। ओ ओ, नॉट द विदर। अच्छा, विदर नहीं था। तो यार मैं ये कह रहा था कि प्लानिंग, मेरे को लगा था कि इस बारी मस्त वाली करके रखी हुई है, इस बार ये जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, फिर से पासा पलट चुका है यार। और अब की बारी बीज ने भी जो है हार मान लिया है, क्योंकि जितनी वो हनी कलेक्ट कर रहे हैं फायदा कुछ नहीं है हनी कलेक्ट करने का, क्योंकि जितना भी हनी कलेक्ट हो रहा है वो रात को आ रहे हैं, उनका हनी लेके जा रहे हैं। तो लिटरली ये बंदे मेहनत कर रहे हैं और वो विच आके इनकी मेहनत इनकी आंखों के सामने लेके जा रही है। सो नॉट फेयर यार। इसकी हैट, हैट के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, मे बी विच। अरे ये सूंग के पता कर रहा है कि विच का घर कहां पर है। यो, अब की बारी बेस्ट गाइस, तुम भी हमला करो यार। ओके, आई थिंक यही होने वाला है। ओ भाई, वे हैंग ऑन अ सेकंड, डिस्पेंसर और बीज का साइज तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर छोटे कैसे हो चुके हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी आ चुका क्लाइमेक्स वाला सीन। तो डॉगी ने हैट को सूंघा और अभी हैट को सूंघने से ऑब्वियसली गाइस कुत्तों की शक्ति, सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो उसने सूंघ के पता लगा लिया कि विच का अड्डा कहां पर हो सकता है और अभी अपनी आर्मी जा रही है विच के ऊपर हमला करने के लिए। लेट्स सी, सब रेडी है भाई। इन लोगों ने ग्राइंडिंग करके और गोलम समन करके रखे हुए हैं, एक्चुअली जा रहे हैं। कम ऑन, कम ऑन डॉगी, तू कर सकता यार। वन लाइक फॉर अवर डॉगी। ओके, सिंपल सी बिल्डिंग बनी हुई है, तुम लोग टीएनटी फोड़ के बिल्डिंग को नीचे गिरा सकते हो। मेरे को पहले ये देखना कि माइनक्राफ्ट के अंदर जो हनी होती है उससे कौन सा पोशन बनता है। दो सेकंड, मैं एक मिनट रिसर्च करके आता हूँ। हनी बॉटल कैन बी ब्रूड इनटू अ पोशन ऑफ हेल्थ बूस्ट, मतलब कि अगर हनी वाला पोशन पीते हो तो आपको एक्स्ट्रा हेल्थ मिल सकती है। भाई ये विच कितनी ईवल है भाई। ओके, अभी तू गई, अभी हम तेरे घर के अंदर आएंगे भाई, तेरा खून बहेगा तेरी धरती के ऊपर, बुला ले अपनी आर्मी। ऑब्वियसली ये दिन को कैसे आ रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली ये दिन नहीं है, शाम का टाइम है और शाम के टाइम मॉब आ सकती है। हमला, हमला हो चुका है भाई। अभी विच को पता लगेगा कि घर के अंदर घुस के हमला कैसे करते हैं। गुस्से में आ चुकी है। ओ तेरे, लेट्स गो, बिग अटैक। सबसे पहले गोलम को भेजो, ये आइडिया मस्त था। नाइस नाइस नाइस। अरे इनके व्हाट, अरे उनके पास फायर चार्ज था इस बारी। यार मिलिट्री वाले हेलीकॉप्टर नहीं होते, वो जो मारते थे गोले, बिल्कुल वही सीन था यार। लेकिन प्लानिंग एकदम जबरदस्त थी यार, मजा आ गया मेरे को उस सीन देख के। एक बार फिर से मेरे को देखना यार, क्या एपिक बैटल था ये देखो। अरे वो जगह चली गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस। बाकी की जो बीज हैं वो ऊपर से टीएनटी फेंक रही हैं और अभी आ चुका बड़े वाला ज़ॉम्बी। अभी बीज को भी गुस्सा आ चुका, मैन बहुत हो गया। नाइस, एकदम मुंह के ऊपर चपेट पड़ी इसको। लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। भाई क्या एनिमेशन है यार, भाई बहुत तगड़ी एनिमेशन है। इसको तो घर के अंदर ही मारो साले को। भाई एलेक्स कितनी तेज है यार, और स्टीव भी कुछ कम नहीं है भाई। दीवार के ऊपर चढ़ के उसने घुमा के लात मारी स्कैली को। पूरे घर के अंदर ट्रैप्स लगी हुई हैं, लेकिन हमारे लॉन्डे भी भाई कुछ कम नहीं है।
ओके स्टीव भी बहुत एपिक कर रहा है यार। अरे लेट्स गो। ओके अभी फाइनल पुड़ाव पीले पीले, तेरे को जितना मर्जी पीना पीले, अभी तेरी मौत आने वाली है। नाउ इज 2 vs 1। भाई पोशन मार के डैमेज कर रही है विच। होली शिट, अरे विच कितनी पावरफुल है यार, दो दो बंदों पर भारी हो चुकी है ये। नहीं बच के, अरे यार उसको पढ़ने वाली थी। कम ऑन एलेक्स, नॉट एलेक्स, स्टीव तो कर सकता है। अरे पोशन ऑफ पॉइजन आई आई थिंक। भाई भाई मेरे को लगा था कि भाई स्टीव गया। लेट्स गो, वी डिड इट। अभी हम लोग हैप्पीली एवर आफ्टर जी सकते हैं भाई। अभी अपना हनी कोई चोरी करके लेके नहीं जाएगा, एकदम एपिक यार, मस्त था ये। बैक इन टू द हैप्पी विलेज। देखो सब कुछ रिस्टोर हो चुका है, ये देखो गॉलम सारे मस्तियां कर रहे हैं, अपना हनी वापस आ चुका है। अरे लेट्स गो, कितने खुश हो चुके हैं बंदे अपने। तो रिवॉर्ड के तौर पर ब्रो तेरे को पूरी टैची मिलती है, वो भी हनी की। एंजॉय, लेट्स गो वापस चले गए गाइस अपने ग्राइंडिंग पर। Let's see, अभी क्या होता है? आई थिंक अभी खत्म हो चुकी है। Happy ending. भाई एकदम जबरदस्त स्टोरी थी यार, मेरे को लगा था कि लास्ट के अंदर विच आएगी, उसके ऊपर पोशन मार देगी और वो एलेक्स तो बेहोश हो चुकी है, स्टीव मर जाएगा, और जैसे स्टीव मरा वो विच एलेक्स को ही मार देगी एंड बैड एंडिंग हो जाएगी। तो यार लेकिन लास्ट में एलेक्स अपना होश संभाला और ट्राइडेंट घुसेड़ा विच के अंदर और उस विच को वहीं पर ही खोल दिया। तो यार गाइस ये एनिमेशन देख के मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको ये मजा आया तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ऐसी रिएक्शन वीडियोस आपको और चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड लेट्स गेट 100,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। And finally, जाने से पहले, thank you so much for watching. मैं बोलता हूँ next वाली video में, till then take care everyone and bye bye.